आप कल कहते हैं आपने बड़े हॉस्पिटल के नाम सुन के खुशखबरी। छोटे भाई को 1 लाख सब्सक्राइब की बहुत बहुत बधाई हो। खा लो खा लो खा लो सुगर बना लो घर के हंसी। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं विभूति प्रिया स्वागत करती हूँ आपका काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिन अभी 12 बज रहे हैं और अभी हमारे घर में मेरे मम्मी पापा आ रखे हैं और सास जी जो हम कल गए थे अंजलि के पास, तो उनकी छोटी सास भी आ रखी हैं, तो वो मेरी भी छोटी सास है। और मौसम की बात करें तो आज काफ़ी सुंदर धूप लगी है। और आप जैसे कि देख सकते हो पीछे टेंट लगाए थे, जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी बारात कल आज सुबह 4 बजे आई है घर, और उनकी बारात देहरादून में थी तो इस वजह से इतनी लेट आई। और हम तो सो रखे थे, तो जब उनके ढोल नगाड़े बजे तो कार्तिक भी उठ गया, हम सब उठ गए, उसके बाद हमें नींद ही नहीं आई। नीचे चलते हैं, यहाँ पर जो सास जी हैं वो नहाए हैं अभी, अपने बाल सुखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ मतलब अभी शादी है, शादी तो हो गई है पर उनका डाइनिंग यहाँ पे रखा है उन्होंने, क्योंकि अंदर जगह चाहिए उनको भी। और यहाँ पर गांव से सास जी कल मिर्च लाए थे, हरी मिर्च और लाल मिर्च, तो लाल मिर्च यहाँ पर मैंने सुखाने डाल दिए, और ये ककड़ी के बीज हैं यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर की बात करूँ तो यहाँ पर हैं ससुर जी और यहाँ पर पापा और मम्मी, और यहाँ पर कार्तिक शैतानी कर रहा है। कार्तिक कार्तिक गुगी गुगी की टॉफी नहीं देना उसको, लॉलीपॉप नहीं देना उसको। गुगी काकू मम्मा हेलो, राधे राधे बोल दो बेटा, राधे राधे। ये बड़ा शैतान हो चुका है और आज ये नहाने के बाद बिल्कुल भी नहीं सो रखा है। और इसने अभी कंघी फिर से नीचे डाल दी है, अभी मम्मी लोगों ने निकाली थी। बाय बाय कार्तिक, बाय बाय, बाय बाय मम्मा। अरे कैमरे को देख के इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। और आज अब तो हमारा कार्तिक खड़ा होने लग गया है भाई। नाना नानी की अलग ही खुशी है भाई अपने नाते से मिलके। और इधर की बात करूं तो यहाँ पर दादी तो आराम कर रहे हैं, आजकल दादी की तबीयत भी थोड़ा बहुत ऐसी चल रही है, सोने देते हैं दादी को भी। और नाश्ता तो दिन में ही हो गया था, और अभी यहाँ पर चावल चढ़ा रखे हैं, दाल तो बन चुकी है, और कार्तिक के लिए मैंने खिचड़ी भी बना दी है। चलिए अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना भी खाते हैं, क्योंकि पापा लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है, और सास जी जो आ रखे हैं हॉस्पिटल से, तो अंजलि जो मेरी छोटी देवरानी है, छोटी मतलब दूसरे सास जी की जो बहू है, वो वहाँ अकेले है, तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो छोटी हैं अभी, तो इसलिए वो भी जल्दी जाने वाले हैं, तो इस वजह से हम अभी खाना फटाफट रखते हैं सबके लिए। और आप लोग ढूंढ रहे होंगे आज पुष्पा कहाँ है, तो पुष्पा यहाँ है, हाँ बैठी है। आराम से देखिए इस पुष्पा को, जब देखो ये मुझसे लड़ती रहती है। मुझे कुछ उपाय बताइए जो मैं अपने नज़र पे लगाऊं, ताकि ये मोटी हो जाए, इसके आंखों के नीचे से डार्क सर्कल हट जाए, इसकी नौकर लग जाए, इसका पति घर आ जाए। मेरे पति कौन जाएगा हॉस्पिटल कोई यही बोलते हैं कि हॉस्पिटल यार, हॉस्पिटल कोई नाम नहीं। तो यहाँ पर पुष्पा मुझे समझा रही है कि आपको ब्लॉग किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक ब्लॉग बनाना नहीं आता। वो नहीं समझा रही है। आप कल कहते हैं आपने बोला हॉस्पिटल के नाम सुन के खुशखबरी, भगवान हॉस्पिटल के नाम सुन के किसके दिमाग में आया हमें सही खुशखबरी है। आप बताइए, अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और खुश होके जा रहे हैं और हंसी खेल करके जा रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा ना कि खुशखबरी होगी कुछ, इसलिए हंस खेल करके जा रहे हैं। अगर हम मुंह बना के जाएं हॉस्पिटल, तब भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ कुछ हुआ है, उस टाइम हम ब्लॉग ही क्यों बनाएंगे पहले अगर कुछ हुआ होगा। वही तो हमारा मन तो वैसे ही अफसोस में हो जाता है यार कि कैसे हो गया क्या हो गया, तो हम ब्लॉग बनाते ही नहीं। ये देख रहे हैं इसको दोस्तों,
देखो। चलिए यहाँ पर कार्तिक भी सो गया है, और कार्तिक आजकल एक नई चीज हुई है, कार्तिक इसी गाने पे सोता है क्योंकि अपने दादा के मुंह से वो ये गाना सुनता है। तो हम आजकल इसको ये गाना लगा के फोन में सुलाते हैं तो सो जाता है अच्छे से। चलिए अभी जठौर जी जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो गया था, मैं इनको सास जी बोल रहे थे, पर अभी मुझे सास जी ने बताया कि वो जठौर जी होते हैं आपके। तो जठौर जी अभी जा रहे हैं, तो प्रमोद भी वहाँ भूखा है, उसको खाना देना है, और वहाँ पर जो छोटी है वो भी रो रही है, तो इस वजह से भी जठौर जी को जाना पड़ रहा है जल्दी, वरना हम जठौर जी को यहीं रखने वाले थे। आराम से जाना आप। तो चलिए अभी सब यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। चा भी ये रही सास जी, चा भी ये है। क्यों अच्छा, तो यहाँ पर सब खड़े हो रखे हैं क्योंकि आजकल काफी थोड़ा बहुत ठंड हो चुकी है, इसलिए सब धूप पे यहाँ पे बैठ रखे हैं। यहाँ देखिए कार्तिक भी उठ गया है। काकू मम्मा, इसको जुकाम लग गया है और बिल्कुल परेशान हो रहा है जुकाम से आज। तो चलिए अभी शाम का टाइम भी हो चुका है और आगे टाइम सबने खाना भी खा लिया था, अभी मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए, और सब धूप पे बैठ रखे हैं क्योंकि आजकल ठंडा होने लग गया है, तो इस वजह से सब अभी धूप का आनंद भी ले रहे हैं। और कार्तिक भी अभी थोड़ा बहुत खेलने लग गया है बाहर, आज उसकी भी तबीयत थोड़ा ऐसी है। चलिए मैं चाय बनाती हूँ। तो चलिए मम्मी लोग भी चले गए हैं, मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो अभी मैं भाग भाग के गई थी, चार्ज पे फ़ोन लगा रखा था तो इसलिए कैप्चर नहीं कर पाई। और अभी हमारे यहाँ आए हैं जेठ जी और जेठानी जी, मेरी पुफ सास जी के छोटे वाले बेटे और बहू। तो यहाँ पर जेठानी जी आ रखे हैं दादी से मिलने के लिए। तो अभी हम अंदर बैठे हुए थे तो अचानक से बूढ़े लोग भी आ गए, मतलब अचानक से उन लोगों ने हमें सरप्राइज दे दिया। तो छोटा भाई दादी से मिलने के लिए आ रखा है क्योंकि जैसे कि सबको पता ही है कि दादी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो मेरे भाई का लड़का और छोटा वाला बूढ़ा दादी से मिलने के लिए आ रखे है। हमारा दिल्ली का मैन यानी कि नोएडा में जिसका जन्म हुआ कार्तिक सर। अभी दादी भी काफी इमोशनल हो चुकी है यहाँ पे क्योंकि गोलू काफी टाइम बाद आया है। पर जैसे ही उस कार्तिक के चाचा आए हैं बड़े चाचा, तो वैसे ही वो बिल्कुल चाचा के पास चले गया है, बिल्कुल भी अपनी दादी के पास नहीं जा रहा अब। तो यहाँ पर अभी छोटे भाई लोग चाय पी रहे हैं और यहाँ देखो कार्तिक कितना परेशान कर रहा है, अपने दादा को बिल्कुल चाय नहीं पीने दे रहा है, तो इसकी भी आजकल तबीयत थोड़ा खराब चल रही है और यहाँ से रो रहा है अपने चाचा के पास आने के लिए। ये देखो यहाँ पर छोटे भाई के 1,00,000 सब्सक्राइब तो कब के पूरे हो गए, लेकिन आज मुलाकात हो रही है, तो भाई छोटे भाई को 1,00,000 सब्सक्राइब की बहुत बहुत बधाई हो। ऑन कैमरा, ऑन कैमरा भी, ऑफ कैमरा, हाँ ऑफ कैमरा में मैसेज भी किया और स्टेटस भी लगाया था। पार्टी तो बोला ही नहीं मैंने, पार्टी दी नहीं, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था अब पीछे बोलेंगे ना पार्टी के लिए। तो हम बोल रहे हैं यही रुक जाओ, लेकिन ये लोग बस लगे हैं भाई जाना है, कल मिलते हैं ठीक है, पक्का ना, पक्का पक्का पक्का, कल जाते हुए जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर भाभी गोलू से पार्टी ले रही है, पार्टी के लिए बोल रही है, 500 रुपए पार्टी कर लेना बस, 500 रुपया। भाई भाभी ने बहुत बड़ी डिमांड रख दी भाई, होटल में जितना खाओगे सारा बजट में दूंगा, पर खाना आपको है, चलो चलो। पर बुले लोगों की तैयारी हो गई अभी जाने की, तो अभी छोटा भाई किसी काम से जा रहा है, थोड़ा काम है, तो अब कल तो कल आएंगे फिर से मिलने के लिए। हाँ चाय पिए ली, हाँ तो दादी यहाँ पे पूछ रही है कि चाय वगैरह पी, तो मैं कह रही हूँ कि हाँ पी ली। यहाँ पर भी गोले लोग भी चले गए हैं, तो भाई हर किसी को यहीं से देखते हैं हम लोग जाते हुए। तो चलिए मुझे तो पसीना भी हो गया है, अभी मैं भाग भाग के आई हूँ,
क्योंकि दादी का मन कर रहा था समोसे खाने का, तो मैं गई थी समोसे लेने नीचे दुकान पे। तो भाई दादी का मन समोसे खाने का कर रहा था, साथ में हमारी सास जी और आंटी जी को भी समोसा मिल गया और ये भी खुश हो गए कि हमें समोसा मिल गया। घर वाले बोल रहे हैं हमारे सुगर बढ़ाते हैं, अब समोसे से क्या होगा, अब खाएंगे यार काके मरेंगे। आंटी आज काफी हंसी मजाक कर रहे हैं। तो भाई जो ये समोसे हैं, मैं जहाँ से लाती हूँ, मैं एक ही दुकान है जहाँ से मैं हमेशा समोसे लाती हूँ घर के लिए, तो उनका अभी तक रेट नहीं बढ़ा रखा है उनका। उस टाइम से 10 रुपए ही है और आज भी 10 रुपए में बेच रहे हैं, और वो स्वाद भी वैसी है उनका, पहले भी अच्छा ऐसी था और आज भी ऐसी है, और इतने अच्छे समोसे बनाते हैं। आज जी को पता चल गया है कि मैं कौन सी दुकान से समोसे लाती हूँ। साज जी अच्छा हो रहा था समोसा, बढ़िया गरम गरम समोसे थे ना, अच्छे हो रहे भाई गरम गरम भी और खूब चर्चा बन गई। बस इन्होंने सास जी लोगों ने चाय इससे पहले पी ली है, अब खा लो खा लो खा लो चलिए आप समोसे का आनंद लीजिए, हम तब तक अंदर जाते हैं क्योंकि कार्तिक बड़ा अंदर छेड़खानी या कुछ कर रहा है मुझे लग रहा है। तो यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पुष्पा और कार्तिक की थोड़ा बहुत तबीयत आजकल ठीक नहीं है, उसके ऊपर के दांत आ रहे हैं जिस वजह से उसको परेशानी हो रही है अभी। और यहाँ पर देखिए इन दोनों की ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। उस वक्त की हंसी तो चलिए आज कार्तिक भी मेरे साथ व्लॉग बना रहा है, और अभी कार्तिक बहुत ध्यान से देखता है ये कैमरे को, ये सोचता रहता है क्या सोच रहा है बेबी, बोले राधे राधे, बोले राधे राधे, वो बिल्कुल गौर से देख रहा है कैमरे को। कार्तिक कार्तिक, और अभी तक ये इतनी शैतानी कर रहा था, इतना मुझे परेशान कर रहा था ये, पर जैसे ही कैमरा निकला वैसे ही ये शांत हो गया, और अब इसका मन है कि ये कैमरे को पकड़े, फोन को पकड़ना चाह रहा है। बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं आप। तो भाई आज लगातार हमारे घर पे कोई ना कोई आ ही रहा है, और अचानक से हम सब लोगों को सरप्राइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही पहले सुबह से भाभी के मम्मी पापा लोग आए थे तो हम वहीं बिजी थे, उसके बाद भैया भाभी लोग आए, उसके बाद गोलू और मेरे भाई का लड़का दोनों आए, और उसके बाद आंटी जी भी आई। तो मतलब लगातार हम लोग आज बिजी रहे और खूब मस्त, मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, सब लोग दादी से मिलने आए। तो अभी उसके बाद जब सब लोग चले गए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह की तैयारी करी, तो उसी में बिजी रहे, तो सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है और मैं भी यहाँ अपने कमरे में सोने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय देवभूमि उत्तराखंड।